बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड मूवी स्काई इज पिंक रिलीज हो चुकी है और इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर इसके अलावा कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए इस मूवी के अच्छी कमाई होने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रियंका के फैंस लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे और प्रियंका ने अपनी वापसी के लिए द स्काई इज पिंक को चुना और ये मूवी एक सच्ची कहानी है जो कि आयशा चौधरी नाम की लड़की की है। आयशा चौधरी वो लड़की है जो महज 18 साल की जिंदगी में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए प्रेरणा बन गई। अब सोचने वाली बात यह है कि एक 18 साल की बच्ची सबकी प्रेरणा कैसे बनी। तो चलिए चलते हैं आयशा चौधरी की पूरी कहानी की ओर। आयशा एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर थी। 18 साल की उम्र में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी। जिस उम्र में बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस उम्र में आयशा चौधरी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी उन्होंने खुद से और खुद की जिंदगी से। 27 मार्च 1996 को दिल्ली के नरेन चौधरी और अदिति चौधरी के घर आयशा का जन्म हुआ। वो एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर थी। आयशा ने अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 18 साल जिए, लेकिन इतनी ही उम्र में आयशा दुनिया को बहुत कुछ सिखा कर चली गई। आयशा की माँ अदिति चौधरी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आयशा जब 6 महीने की थी तभी पता चला कि उसे इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया है। आयशा का ब्रिटेन में बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया गया। साधारण तौर पर समझे तो ऐसे बच्चे इम्यून सिस्टम के बिना पैदा होते हैं, यानी आम बीमारी जैसे कि सर्दी से भी उनकी जान जा सकती है। इस ट्रांसप्लांट ने आयशा को स्किन एलर्जी से तो बचा लिया, लेकिन उसके पल्मोनरी फिब्रोसिस यानी कि फेफड़ों की गंभीर बीमारी से उसे पीड़ित कर दिया। उस वक्त उसके फेफड़े सिर्फ 35% काम कर रहे थे और इस वजह से उसे चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके सारे अपने उसके दोस्त उनसे दूरियां बनाने लगे। कोई उसके साथ नहीं खेलता था, कोई उसे पास नहीं आने देता था, लेकिन आयशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को अंदर से मजबूत कर उन्होंने जिंदगी से ये लड़ाई लड़ी और आयशा चौधरी की कहानी जिनकी जिंदगी के ऊपर फिल्म बन गई और आज ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और फिल्म शुरू हो रही है आयशा जिनका किरदार जायरा वसीम ने निभाया है उनकी आवाज़ से, जो सोचती है कि मर जाना ओके है बल्कि कूल है, क्योंकि आपको मरने से बचाना किसी के हाथ में नहीं होता, यहाँ तक कि डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता। इसके बाद आयशा अपने माता पिता की उस प्रेम कहानी की ओर लेकर जाती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जायरा वसीम की माँ का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है जिनका नाम अदिति है और पिता का किरदार फरहान अख्तर निभा रहे हैं जिनका नाम नीरेन है। इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है और अपने माता पिता बनने और सेक्स लाइफ तक के बारे में जायरा वसीम इस बारे में आपको बताती दिखेंगी। एक्टिंग की अगर बात करें तो जायरा वसीम यानी आयशा को किरदार को कई लेयर के साथ दिखाया गया है जिसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। इनका किरदार काफ़ी अच्छा है और इमोशनल दिखाया गया है, जो बहादुर और जिद्दी भी होती है और आगे जाकर कभी न हार मानने वाली माँ बनती है। फिल्म के सेकेंड हाफ की बात की जाए तो जायरा वसीम को इसमें बीमारी से लड़ते और इलाज करते हुए दिखाया गया है। फिल्म में फरहान अख्तर भी नजर आएंगे। ये मूवी प्रियंका की कमबैक मूवी है और जायरा वसीम की आखिरी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जायरा वसीम एक्टिंग छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कमाई के मामले में इस मूवी को लेकर अच्छी उम्मीद जताई जा रही है। द स्काई इज पिंक पहले दिन 3.50 से 4.50 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। वहीं ट्रेंड पंडितों की माने तो पहले दिन 300 से 350 करोड़ की कमाई हो सकती है। फिल्म में कमबैक में फिल्म को प्रियंका चोपड़ा, सिद्धार्थ रॉय कपूर और रोनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है। अब देखना यह है कि फिल्म कमाई के मामले में कहाँ तक जाती है और दर्शकों को कितना पसंद आती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।